नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 30 जनवरी है और वेडनेसडे का दिन है। राहु काल का समय 12:26 से लेकर के 1:42 तक रहेगा। ट्रैवलिंग के लिए, किसी भी शुभ कार्य के लिए समय को अवॉइड कीजिएगा और ये समय बहुत ही खास चल रहा है। जी हाँ, माघ मास आप सभी जानते हैं शुरू हो चुका है पौष मास की पूर्णिमा से, और ये वही समय होता है क्योंकि महाभारत में, पद्म पुराण में, अलग अलग पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि माघ मास में किसी भी पवित्र नदी के समागम में जाकर के स्नान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। आप सभी जानते हैं अर्धकुंभ भी इस समय पर चल रहा है। अर्धकुंभ वही होता है जिसकी जो आयोजन होता है वो हर 6 साल में किया जाता है अलग अलग तीर्थ स्थानों पर। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो अर्धकुंभ होता है या महाकुंभ जो होता है, हालांकि महाकुंभ 12 साल में एक बार लगता है, लेकिन अर्धकुंभ जो होता है उसके लिए भी खास ग्रह नक्षत्र इंपॉर्टेंट होते हैं। बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति होती है वो देखना, उसका गोचर जो ट्रांजिट्स होते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो बृहस्पति है वो वृश्चिक राशि में होना चाहिए, इसके अलावा जो सूर्य और चंद्रमा है वो मकर राशि में स्थित होने चाहिए। उसी समय पर कुंभ की शुरुआत होती है। इसके अलावा क्योंकि कुंभ चल रहा है, साथ ही में माघ मास की शुरुआत भी हो चुकी है, तो ये वही समय है जिसमें कि आप किसी भी पवित्र नदी में, होली वाटर में जाकर के अगर स्नान करते हैं, ऐसा करने से आपके हेल्थ इश्यूज खत्म होते हैं, आपके जीवन में हर तरह की नेगेटिविटी खत्म होती है। अब जो लोग जा सकते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट ईजी कि आप वहाँ जाकर के स्नान करें, तो जो लोग नहीं जा सकते हैं वो लोग घर में किस तरह से स्नान कर सकते हैं, आपको क्या करना है। माघ मास में पूरे महीने में थोड़ा सा गंगा वाटर अपने नहाने के पानी में ज़रूर ऐड करें और उसके बाद आप स्नान करें। मान लीजिए आपके घर में गंगा वाटर भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, हर दिन के हिसाब से फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर की जो लीव्स होती हैं, उसको अपने नहाने के पानी में मिलाएं और उसके बाद आप स्नान कीजिए। ये स्नान करने से भी आप देखेंगे आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो ख़त्म होंगे। इसको किस तरह से करेंगे, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मंडे से अगर शुरुआत करते हैं तो मंडे वाले दिन आपको व्हाइट कलर की लीव्स जो है उसको अपने पानी में मिलाना है। इसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन आप ऑरेंज कलर की लीव्स जो है, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स जो है उसको डाल सकते हैं। बुधवार वाले दिन आप कोई भी लीव्स डाल सकते हैं, अशोक की पत्तियाँ या नीम की पत्तियाँ पानी में डाल करके स्नान कर सकते हैं। अगर बात करी जाए थर्सडे की, तो थर्सडे को गेंदे के पुष्पों से आप वो पानी में डाल करके स्नान कर सकते हैं। फ्राइडे की बात करी जाए अगर, तो फ्राइडे को गुलाब की पत्तियां आप पानी में डाल करके स्नान कर सकते हैं। सैटरडे के दिन ब्लू कलर के फ्लावर्स आप पानी में डाल करके स्नान कर सकते हैं, और संडे वाले दिन आप कोई भी कलरफुल जो फ्लावर्स होते हैं उसकी पंखुड़ियाँ जो है पानी में डाल करके स्नान कर सकते हैं। ये तब आप करेंगे जब आपके घर में गंगा वाटर नहीं है, ये एक ऑल्टरनेट है। लेकिन अगर घर में गंगा वाटर है आपके, तो कोशिश कीजिएगा कि उसको अपने नहाने के पानी में मिला करके स्नान ज़रूर करें। चलिए, इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं आपकी राशियों की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। एरीज के लिए कार्ड निकल रहे हैं द मून एंड द एम्परर रिवर्स कार्ड, तो आप लोगों के लिए आज का दिन जो है धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत कंसिस्टेंट वे में मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा एरीज के लिए आज छोटी सी चीज़ और रहेगी कि आप जिस भी डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शंस आपके दिमाग में आज नहीं होने चाहिए। मेष राशि वाले जो लोग हैं, अगर इंटरव्यूज देने जा रहे हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच आपके दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, आपके जितना पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीज़ों को ग्रैब करता है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिविटी ज़रूर रखें। उपाय की बात करें तो आज आपके लिए सफ़ेद रंग के पुष्प जो है आप किसी भी मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करेंगे, उसके बाद अपने कार्य की शुरुआत करेंगे। टॉरेंस की बात कर लेते हैं, कार्ड्स निकल रहे हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द हर्मिट, आप लोगों के लिए आज मेहनत का पूरा रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, सफलता आपको मिलेगी, लेकिन आज कोई है जो आपको गाइड करता रहेगा, यानी कि एज अ मेंटोर आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, किसी के साथ जुड़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका आपको मिल सकता है, लेकिन प्रयास कीजिए आज समय की अहमियत को ज़रूर समझें, क्योंकि अगर आप टाइम पंक्चुअलिटी नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए चीज़ों के साथ कोप अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। टॉरेंस के लिए छोटा सा उपाय है, आज के दिन में कोशिश करनी है आपको भगवान विष्णु की आराधना ज़रूर करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुबह के समय में करेंगे। जेमिनाइज कार्ड निकल रहे हैं 6 of Swords एंड 7 of Wands, सो डोंट मेक एनी हेस्टी डिसीजंस। जी हाँ, जल्दबाजी करने से बेहतर है आप थोड़ा समय ले लें, थोड़े समय के लिए आप सोचिए समझिए, उसके बाद आप डिसीजन फर्मली डिसीजंस लीजिए। साथ ही में अपने घर परिवार वालों के साथ आज तालमेल बैठाने की ज़रूरत है, क्योंकि
वाद विवाद की स्थिति बन रही है, ग्रह कलेश वाली स्थिति बन रही है। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, कोशिश करें आज जो चिड़चिड़ापन है आपके अंदर, जो एंग्जाइटीज है उसे खत्म करें। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आज स्नान जिस समय पर करेंगे उस समय पर पुष्प का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर आप किसी गंगा जल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, इससे आपकी एंग्जाइटी भी खत्म होगी। चलिए बात करते हैं कर्क राशि और कैंसरस के लिए कार्ड निकल रहे हैं, टू ऑफ वॉन्स एंड थ्री ऑफ वॉन्स। तो आप लोगों के लिए आज मे भी आउटडोर्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे। आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर स्टिक होने से बेहतर है और ऑप्शंस को भी आप लोग एक्सप्लोर करें। हालांकि स्टूडेंट्स के लिए समय आज बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंदर जो जोश है, यानी कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरह का चार्म आपके अंदर है, उससे कहीं ना कहीं पे आप सक्सेस को ज़रूर हासिल करेंगे। लेकिन एक दिशा जो है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए आज ज़रूरी है कि मे बी अपने करियर ऑप्शंस को चुनते वक्त थोड़ी सी लापरवाही या थोड़े से कन्फ्यूज्ड वो लोग हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है आप सलाह मशवरा ज़रूर करें। कर्क राशि वाले लोग जो हैं, आज के दिन में सतनाजा दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सतनाजा का मतलब होता है 7 तरीके के अनाज को सवा सवा की क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, और अगर इतना नहीं कर सकते तो एक एक मुट्ठी आप लेकर के किसी भी गौशाला में जाकर के दान कर दीजिए। चलिए बात करते हैं लियोस की और कार्ड निकल रहे हैं आपके लिए टू ऑफ पेंटाकल्स एंड थ्री ऑफ पेंटाकल्स। तो आज पार्टनरशिप में बिजनेस करना अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ में आपको अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कार्ड यही कह रहे हैं कि आज के दिन में ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगी कामकाज से जुड़ी हुई, और साथ ही में लोगों के साथ तालमेल बनाना भी आज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अगर जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद सौदे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे स्वास्थ्य के लिए आज सचेत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड या जंक फूड को आज अवॉइड करना है। इसी के साथ बुधवार का दिन है, आज के दिन में हरा चारा गाय को खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा, इससे हेल्थ इश्यूज़ भी खत्म होंगे। कन्या राशि का आज निकल रहे हैं पेज ऑफ पेंटाकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। तो आप लोगों ने जितना प्रयास किया है पास्ट में उसका फल आपको इस समय में मिल सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या फिर लोहे से जुड़ा हुआ जो लोग काम करते हैं उनको आज फ़ायदा हो सकता है। जॉब को बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय अच्छा नहीं है चेंजेस के लिए। कोशिश करें थोड़े समय के लिए आप लोग रुक जाइए, फॉर अ वीक एंड फॉर अ मंथ। आप लोगों के लिए आज उपाय रहेगा ब्लू कलर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा कोशिश करनी है आज भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लिब्रंस के लिए कार्ड निकल रहे हैं नाइन ऑफ पेंटाकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो आज अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं अगर, तो थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि यू हैव दैट कैलिबर, यू हैव दैट स्टेमिना, जिससे कि आप किसी को भी एक तरह से अगर चाहें तो अपने कार्य क्षेत्र में आप सक्सेस को पा सकते हैं। तो ज़रूरी है आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, वो नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं चलाएं। साथ ही में देयर इज़ अ विश कार्ड, तो आपने जो सोचा हुआ है, जिस काम को शुरू करने के लिए आप लोग प्लानिंग्स कर रहे थे, आज उसकी इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। साथ ही में स्टूडेंट्स जो हैं इस राशि वाले, वो एक नए तरीके से अपने कार्य को करने का प्रयास करेंगे, और वो नया तरीका जो है मे बी कहीं ना कहीं पे आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। उपाय की बात करें तो लिब्रंस को आज ध्यान रखना चाहिए, सुबह उठ के सूर्य देव की उपासना सबसे पहले ज़रूर करेंगे, तांबे के लोटे से सूर्य को जल देंगे, साथ ही में एक चुटकी हल्दी मिला करके सूर्य को जल देना है आपको। चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियोज की, कार्ड निकल रहे हैं द फूल एंड एट ऑफ सॉर्ड्स। तो आज एक नई दिशा आपको मिल सकती है, नया तरीका, नया कारोबार मिल सकता है। तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ नई चीज़ें आज होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन घर परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ भी सकती हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करी जाए फाइनेंसिस की, तो आर्थिक समस्याएँ बढ़ने की वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने जा रहे हैं या जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, और मे बी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपको फायदा भी होगा, यानी कि धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की जरूरत है। स्कॉर्पियो को उपाय क्या करना है, आज आपको संध्या काल के समय तुलसी में दीपक जलाना है। साथ ही में कोशिश करनी है आज अपने घर के, अब जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान यानी कि आपके घर का जो बीचों बीच का हिस्सा है, जैसे सेंटर ऑफ योर हाउस कहेंगे, उसे आप खाली रखें, उसे आप साफ सुथरा रखें। सैजिटेरियंस के लिए कार्ड निकल रहे हैं नाइट ऑफ पेंटाकल्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। दैट मीन्स सैजिटेरियंस को आज संभल कर चलने की जरूरत है, रिलेशनशिप में लॉस हो सकता है, मे बी आपके लव वन आज आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, तो कोई भी ऐसी तीखी बात कहना, कोई भी ऐसी बात कहना जो कि सामने वाले को बुरी लग जाए, मे बी आपके रिलेशनशिप्स को स्पॉइल कर सकती है, इसलिए सोच समझ कर कहिए जो भी कहना है। लेकिन आपके अगर बात करें जाए आपके व्यवसाय की, आपके कारोबार की, और फॉर योर जॉब, तो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आज फायदा हो सकता है, मे बी प्रमोशन दिखाई दे रहे हैं, और जो लोग खुद का व्यवसाय, खुद का कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी आज फायदेमंद सौदे हो सकते हैं। उपाय क्या करेंगे, तो सैजिटेरियंस के लिए उपाय छोटा सा रहेगा, आप लोगों को सुबह उठ करके माँ सरस्वती की आराधना करनी है और इस मंत्र का जाप करना है।
ओम ह्रीम सरस्वते मया दृष्टित्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंस सुप्तम विमानोड़ा विद्यादान ददातु मे ह्रीं नमः। मकर राशि की बात करते हैं। एट ऑफ कप्स एंड द जजमेंट कार्ड निकल रहा है, तो मकर राशि वाले जो लोग हैं आज नेगेटिव और पॉजिटिव में थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि मैं कोई भी डिसीजन अगर आप लेने जा रहे हैं तो मैं ये डिसीजन लूँ या नहीं, इस तरह की चीज़ों में आप कहीं ना कहीं पर कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं। तो आपको आज ज़रूरी है कि किसी से मार्गदर्शन ज़रूर लें, स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, अपने मेंटोर्स की सलाह राय आज ज़रूर लें। इसके अलावा सेहत का ध्यान देना ज़रूरी है आज मकर राशि वाले लोगों के लिए। कोई भी नया कार्य करने जा रहे हैं उसके लिए राहु काल को अवॉइड कीजिएगा। उपाय क्या करना है, तो आज किसी भी गौशाला में जाकर के डोनेशंस देना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स। तो आज कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, चीज़ें आपके लिए कॉन्टिनेशन में चलने वाली हैं, दैट मीन्स किसी भी कार्य में आपके डिले नहीं होंगे, लेकिन आज दूसरों की देखा देखी की वजह से लॉसेस हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कोई भी काम कर रहे हैं उसमें अपने आप इंडिपेंडेंटली आप लोग प्रयास करें, दूसरों को देख करके कोई डिसीजन लेना या आपको किसी भी तरीके का कोई प्रयास करना आज अच्छा नहीं रहेगा। हालाँकि घर परिवार में आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, पेरेंट्स की तरफ से आज सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। उपाय क्या करना है, कुंभ राशि वाले जो लोग हैं कोशिश करेंगे आज खाने की सामग्री का दान करना आपके लिए अच्छा है। पाइसेंस की बात कर लेते हैं। मीन राशि वाले लोगों के लिए फाइव ऑफ पेंटाकल्स और नाइन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है, तो खर्चा बढ़ रहा है आज मीन राशि वाले लोगों के लिए। हालांकि क्वारल्स भी नज़र आ रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके चलें, और ख़ास तौर पे आज ऑफिस फ्रंट पे लोगों के साथ ज़्यादा बहस में आप लोग नहीं पड़े, नहीं तो सारी चीज़ें सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा। तो कुछ चीज़ों के लिए आज आपको सतर्क रहना होगा। हालांकि जैसे मैंने कहा, आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, इसलिए खर्चों में कमी करना ज़रूरी है। इसके अलावा शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा है, चीज़ें प्रोग्रेसिव नज़र आ रही हैं। आप लोगों के लिए उपाय क्या रहेगा, आज ग्रीन कलर के कपड़े धारण करना या फिर ग्रीन कलर की डोनेशंस देना आपके लिए बेहद लाभकारी है। हरे रंग की सब्जी और हरे रंग का चारा आप गाय को खिला सकते हैं, ऐसे करने से आपके आर्थिक समस्याएँ खत्म होंगी। और इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ।